आइए दोस्तों जानेंगे कैसा रहेगा साल 2016 कुंभ राशि वालों के लिए। तो ये जो साल है, इस साल में आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स और रिलेशनशिप बनेंगे दोस्तों, जो आपके लिए, आपके करियर के लिए, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। अच्छा, फोकस और डिटर्मिनेशन, ये दो वाइटल कीज हैं दोस्तों सक्सेस के लिए, और ये दोनों ही क्वालिटीज आपके पास हैं। लेकिन इस साल कुछ चीजें हैं जो आपके अगेंस्ट भी हो सकती हैं, और आपके जो कलीग्स हैं आपके ऑफिस में, वो आपके खिलाफ चीजों को टर्न कर सकते हैं। तो जो डिप्लोमेटिक नेचर है आपका, डिप्लोमेटिक नेचर चीजों को खराब कर सकती है। तो अपने वर्क प्लेस पर आप हार्मनी को मेंटेन करने में अपनी पावर का यूज करें, और डिप्लोमेसी से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें। दोस्तों अपने गुस्से और आपका जो आर्ग्यूइंग नेचर है उसको निकाल कर फेंक दे, वरना अनवांटेड ट्रबल्स, अनवांटेड परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। आप किसी एस्ट्रोलॉजर से प्रॉब्लमेटिक जो आपके प्लैनेट्स हैं आपके होरोस्कोप में, उसके लिए आप एडवाइस भी ले सकते हैं, और आप इससे रिलेटेड जो रेमेडीज हैं, जो आप चीजों को ठीक करने के लिए कर सकते हैं, वो रेमेडीज भी आप ले सकते हैं। प्रोफेशन और फाइनेंस की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रोफेशन के लिए ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा, और जो प्रोजेक्ट्स आपने लास्ट ईयर शुरू किए थे उन प्रोजेक्ट्स पर आप वर्क करने वाले हैं दोस्तों, और आप अपने गोल्स की तरफ फास्टर पेस से आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि फोकस और डिटर्मिनेशन दो सक्सेस की हैं, सक्सेस को अनलॉक करने की कीज हैं, और ये दोनों ही क्वालिटीज आपके पास हैं दोस्तों। तो आप अपने हार्ड वर्क से, आपकी जो कंसंट्रेशन है आपके पास, आपकी कंसंट्रेशन से आप अपने गोल्स को अचीव करेंगे। आप में वो सभी क्वालिटीज हैं दोस्तों जो एक मोस्ट एलिजिबल मैनेजर में होनी चाहिए। हालांकि आपको प्रमोशन मिलनी चाहिए, लेकिन आपके राइवल्स जो हैं वो आपको बैड लाइट्स में रख सकते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, स्टे पॉजिटिव एंड बी ब्रेव। अच्छा, बड़े सपने देखने से आप बिल्कुल ना घबराएं, बड़े सपने देखें, क्योंकि ये जो साल है, इस साल आपका जो लक है वो आपके फेवर में रहेगा। बस थोड़ा सा लीगल इश्यूज जो हैं उनसे आप थोड़ा सा सावधान रहिए, बाकी फाइनेंशियली भी आप फ्लोलेस सेंस रखते हैं दोस्तों, कि आपको पता है कि कहाँ पर पैसे को इन्वेस्ट करना है। लेकिन आप ऐसे लोगों के झांसे में बिल्कुल मत आइएगा फ्रेंड्स, जो आपसे शॉर्ट पीरियड में पैसे को डबल करने की बात कहें। तो पेशेंस रखें और अपनी इंटेंशंस पर रिलाई करें। लव और रिलेशनशिप की बात करते हैं दोस्तों, तो लव और रोमांस के लिए जो साल है, साल 2016 ये आपके लिए स्मूथ पीरियड रहेगा, और लव जो है वो आप ही के साइड में रहेगा, और एक्साइटमेंट और पैशन लेकर आएगा आपकी लाइफ में। लेकिन साल का जो फर्स्ट हाफ पीरियड है, साल का जो पहला हिस्सा है, उसमें छोटे मोटे अप डाउन, जैसे आर्ग्यूमेंट, डिफरेंट माइंडसेट और थोड़ी सी बिटरनेस ये आपकी लाइफ में ला सकते हैं। लेकिन साल का सेकेंड हाफ पीरियड जो है वो आपकी लाइफ में लव, रोमांस और पैशन और मैग्नेटिक इफेक्ट जैसी चीजें आपकी लाइफ में लेकर आएगा। बस आपको करना क्या है, आपको अपने पार्टनर से इंटरनली कनेक्ट होने की कोशिश करते रहना है। अगर आप मैरिड हैं दोस्तों, तो आपको प्रेगनेंसी जैसी गुड न्यूज भी मिल सकती है। लेकिन अगर आप सिंगल हैं और आप अपना सोलमेट, अपना पार्टनर ढूंढ रहे हैं दोस्तों, तो आपको आपका सोलमेट जल्द ही मिल जाएगा। फैमिली और सोशल लाइफ की बात करते हैं दोस्तों, तो आपका जो नेचर है वो जेनरस और इम्पार्शियल है।
तो जो साल का जो फर्स्ट हाफ पार्ट है उसमें आप अपनी फैमिली को और अपने बच्चों को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में प्रोफेशनल फ्रंट पर काफी कुछ करना है। लेकिन साल का जो दूसरा हिस्सा है, साल के सेकेंड हाफ पार्ट में आप अपनी फैमिली को टाइम देंगे, उनके साथ वक्त बिताएंगे। दोस्तों, कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा टाइम लें, थोड़ा सा सोचें उसके बारे में थॉरली कि क्या जो डिसीजन आपने लिया है वो सही है या नहीं है, और उसके बाद आप डिसीजन लें। आप अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप भी प्लान करेंगे और इससे आपको हैप्पी फील होगा। हेल्थ पर आते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, तो आस्क गणेशा की प्रिडिक्शन के हिसाब से आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। आप फिजिकली और मेंटली आप मोटिवेटेड रहेंगे। लेकिन अप्रैल और अक्टूबर के बीच का जो पीरियड है उसमें प्रोफेशनल फ्रंट पर आपको थोड़ा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप नर्वसनेस और स्ट्रेस आपको हो सकता है, इससे आप थोड़ा इरिटेटेड भी फील कर सकते हैं। तो आपको हेल्थ चेकअप दोस्तों आप इसके लिए करवा सकते हैं अपना, और वर्क से आपको ऑफ लेने की जरूरत है ताकि आप रिलैक्स हो सकें और अपने आप को काम कर सके और फिर से एनर्जी आप गेन कर सकें। अच्छा, फिजिकल एक्सरसाइज भी आप इसके लिए कर सकते हैं, जैसे योगा हो गया, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन भी आप इसके लिए कर सकते हैं, आप रिलैक्स फील करेंगे। ट्रेवल की बात करते हैं, तो ट्रेवल के लिए आपको अब्रॉड परमानेंट सेटल होने की पॉसिबिलिटीज इस साल हो सकती है दोस्तों, और जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल है वो भी आपको इस साल प्लान होते हुए दिखाई देंगे। अगर आप बिजनेस में हैं तो फॉरेन कंपनीज के साथ आप कोलैबोरेट करेंगे, और आप में से कुछ अगर हायर स्टडीज के लिए या प्रोजेक्ट बेसिस पर बाहर जाने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप अब्रॉड में परमानेंट सेटल्ड हैं ऑलरेडी, तो आपको अपनी होम कंट्री में वापस आने का चांस मिलेगा और आप अपने होमलैंड पर एंजॉय करेंगे। आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ट्रिप भी प्लान करेंगे और एंजॉय करेंगे। ओम नमः पतये नमः।